दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ह्यूमन मेडिसिन में। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेगाबा M75 कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है और क्या क्या इसके सब्स्टिट्यूट नाम रहते हैं, क्या इसके यूज होते हैं, मतलब किस यूज में इसको लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और वीडियो की लास्ट में जानेंगे इसकी डोज और इसके प्रिकॉशंस। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तभी आप इस प्रेगाबा M75 कैप्सूल के बारे में पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस प्रेगाबा एम ये जो है एक ब्रांड नेम है। तो इसके अंदर जो है कॉम्पोजिशन जो होता है इसके अंदर वो होता है मिथाइल कोबालामिन 750 माइक्रोग्राम में, प्रेगाबालिन 75 mg में। ये इसके अंदर दो कॉम्पोजिशन होते हैं गाइस। इसको जो मैन्युफैक्चर किया है वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 200 रुपए से लगाकर 250 रुपए तक में मिल जाएगा। अब ये जो है 15 कैप्सूल का स्ट्रिप आता है, एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल आते हैं गाइस। बाकी जो है ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि वो आपको कितने की मिलेगी, प्राइस जो ब्रांड टू ब्रांड चेंज होता रहेगा। बट ये जो प्रेगाबा एम जो है वो 200 रुपए में लगाकर 250 रुपए में आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे। अब इसके सब्स्टिट्यूट नाम की बात करें, मतलब अगर आपको प्रेगाबा एम से नहीं मिलता है तो आप किस और नाम से इसको खरीद सकते हैं। जो इसके सब्स्टिट्यूट नाम रहते हैं MEPR कैप्सूल, महागाबा एम कैप्सूल, प्रागा सिप एम कैप्सूल, गावा मैक्स कैप्सूल, ये कुछ सब्स्टिट्यूट नाम आते हैं इसके गाइस। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसका जो यूज होता है, मुख्य यूज जो इसका होता है वो न्यूरोपैथिक पेन, मतलब शरीर की नसें जो होती हैं उनमें दर्द रहना, शरीर की नसें जो होती हैं उनमें दर्द रहना, सुनपन रहना, और किसी भी कारण से अगर नसें डैमेज हो गई हैं तो उस कंडीशन में उसमें दर्द रहता है, बहुत ज्यादा सुननी सी रहती है, तो उस कंडीशन में प्रेगाबा एम कैप्सूल को दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा कोई इनर इंजरी हुई है जिसके कारण से नसें डैमेज हो गई हैं, नसें डैमेज होने की वजह से चोट लग गई है, चोट उसमें दर्द हो रहा है, सूजन आ गया है, उस कंडीशन में जब नसें काम नहीं करती हैं तो उस कंडीशन में भी इस प्रेगाबा एम कैप्सूल को दिया जाता है। ओवरऑल नसों का कैसा भी दिक्कत है, नसों की कैसी भी दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाता है आपके डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा भी मांसपेशियों में दर्द रहता है और ये दर्द पूरी बॉडी में होता है तो ये दवा दी जाती है आपके डॉक्टर द्वारा। ये फिर मानसिक समस्या यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये दवा चलाई जाती है आपके डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा कोई भी नसों का रिलेटेड समस्या हो सकती होती है तो उन सब में ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है आपके डॉक्टर द्वारा, प्रेगाबा M75 कैप्सूल। अब इसके गाइस साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कॉमन से इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे कि डिजीनेस हो सकता है, स्लीपीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, थकान लग सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूज रहेगा बंदा आदमी जो भी इसको ले रहा है, और नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, कुछ साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और साइड इफेक्ट अगर आपको देखने के मिले तो आप इस दवा को रोके अपने डॉक्टर से सलाह लें उसके बाद। अब इसकी गाइस डोज की बात करें तो डोज जो है वो डिपेंड करती है एज, वेट, सीवियरिटी, क्या सीवियरिटी है पेशेंट की, क्या एज है, क्या वेट है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है डोज। तो इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो दिन में एक कैप्सूल रात को सोते समय लिया जाता है, इसको 10 से 20 दिन तक चलाया जा सकता है, और कभी कभार इसको ज्यादा आराम अगर नहीं मिलता तो इसको लंबा भी चलाया जाता है, 1 से लगाकर 2 महीने 3 महीने उससे ज्यादा भी इसको चलाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अब गाइस इसके प्रिकॉशंस की बात करें, मतलब इसको कौन इसको लेने के बाद क्या क्या नहीं करना, तो हैवी मशीन का कोई काम नहीं करना है, ड्राइविंग नहीं करनी है, और प्रेगनेंसी में इसको ना दें, अगर जरूरत पड़ती भी है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर की सलाह से ही इसको दिया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को इस दवा से तो वो भी इस दवा को ना लें। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको ध्यान में रखने थे गाइस। अब तो हमने आपको पूरी जानकारी प्रेगाबा एम कैप्सूल के बारे में दी है गाइस। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवा के बारे में नॉलेज हो सके। और एक और हमारा चैनल है DRX रब्बानी नाम से, आप उस चैनल पर भी जाकर विजिट करें, उसमें भी काफी नॉलेजेबल वीडियो बनी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो थैंक